और मैं आदरणीय देवगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 90 साल की आयु में जो ऊर्जा है, जो कमिटमेंट है, मेरे जैसे युवक को भी उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैं भाषा तो नहीं समझ पाया, लेकिन मैं अनुभव कर रहा था कि कर्नाटका के प्रति उनका जो कमिटमेंट है, आज की कर्नाटका की दुर्दशा, इसका उनके दिल में जो दर्द है और उनकी वाणी में जो जोश है, ये कर्नाटक के उज्जवल भविष्य का गवाही दे रहा है। मैं देवेगौड़ा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं उनके आशीर्वाद के लिए। देवेगौड़ा जी ने इंडी गठबंधन के एक एक पात्र का बढ़िया वर्णन किया है, इसलिए मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन इंडी गठबंधन के पास वैसे भी प्रेजेंट में कोई लीडर नहीं है, फ्यूचर के लिए कोई विजन नहीं है, और उनकी हिस्ट्री स्कैम्स की रही है। चिक्का बल्लापुर और कोलार का मैसेज भी साफ है, फिर एक बार लोकतंत्र में मेरा दायित्व बनता है कि मैं देश की जनता जनार्दन को मेरे कार्य का हिसाब दूं। साथियों, आज मैं आपके बीच अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। मैंने आप सभी को मेरा परिवार माना है। आपके लिए दिन रात मेहनत करने में मैंने कोई कमी नहीं रखी है। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम 24/7 फॉर 2047। और इसलिए मैं सच्ची नीयत से सिर्फ योजना ही नहीं बनाता, बल्कि गारंटी भी देता हूं। साथियों, हमारे देश के गरीब ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसे फ्री राशन मिलेगा, लेकिन ये गरीब का बेटा मोदी है, जो किसी ने नहीं सोचा वो मैंने करके दिखाया। आज चिक्कावलापुर के भी 8 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को फ्री राशन मिलता है, पूरा राशन मिलता है। अब मोदी की गारंटी है कि आने वाले 5 वर्ष तक ये ऐसे ही मिलता रहेगा। गरीब ने कभी फ्री ट्रीटमेंट की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन 10 ईयर्स में कर्नाटका के लाखों परिवारों को
फ्री ट्रीटमेंट की गारंटी मिली है। यहां चिक्काबल्लापुरम में भी 4 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बने हैं। अब मोदी की गारंटी है कि हर परिवार में जो 70 ईयर से बड़े सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा। साथियों, मोदी सरकार की योजनाओं के सबसे बड़े लाभार्थी एससी एसटी ओबीसी परिवार है। पहले की सरकारों में एसटी एससी परिवारों को गंदगी में झुग्गियों में रहना पड़ता था, बिजली पानी तक की सुविधाएं तक नहीं मिलती थी। उन्होंने भी सरकारों से सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। आपका ये भरोसा मोदी की गारंटी ने लौटाया है। इस वजह से पिछले 10 ईयर्स में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, पिछले 10 सालों में चिक्काबल्लापुर में 14,000 और कोलार में 20,000 पक्के घर मिल चुके हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ और नए घर बनाने की गारंटी दी है। जिनको अभी तक घर नहीं मिला है उनको भी जरूर मिलेगा। जिनको सबसे अंत में पूछा जाता था उनको एनडीए सरकार ने पंक्ति में सबसे आगे कर दिया है। ईयर 2014 में एनडीए सरकार बनी तो देश के पहले नागरिक यानी हमारे राष्ट्रपति एक एससी परिवार के बेटे बने। ईयर 2019 में एनडीए सरकार बनी तो देश की पहली नागरिक यानी हमारी राष्ट्रपति एक ट्राइबल परिवार की बेटी बनी। ये हमारी सरकार ही है जिसने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़े 5 स्थानों को पंच तीर्थों के रूप में विकसित किया। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलते हुए एनडीए सरकार ने एससी एसटी ओबीसी युवाओं की शिक्षा पर बल दिया है। इस वजह से हायर एजुकेशन में एससी विद्यार्थियों का नामांकन 44% बढ़ा है। हायर एजुकेशन में एसटी विद्यार्थियों का नामांकन 65% बढ़ा है। हायर एजुकेशन में ओबीसी विद्यार्थियों का नामांकन 45% बढ़ा है। बिना गारंटी के लोन वाली मुद्रा योजना के सबसे अधिक लाभार्थी एससी एसटी ओबीसी युवा ही है। अब मोदी की गारंटी है कि मुद्रा योजना के तहत फाइनेंशियल हेल्प 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक किया जाए।